नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, साला दर्पण पर एक नया टैब आया है, स्टाफ विंडो से आधार और जन आधार का वेरिफिकेशन हमको कैसे करना है। साथ ही ये कार्य पहले स्कूल लॉगिन पे दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये कार्य अब स्टाफ लॉगिन पर प्रत्येक कक्षा अध्यापक को करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो इसकी ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि जो लास्ट में फॉर्म निकलेगा, प्रमाणीकरण का फॉर्म निकलेगा, वो हम किस प्रकार से प्रिंट निकालेंगे और जमा करवाएंगे। यदि स्क्रीन पे आपके कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका भी हम तरीका हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो स्टाफ विंडो है उसमें ये तरीका बताया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे हमको टाइप करना है साला दर्पण, ये हमने टाइप कर लिया है। फिर साला दर्पण का एक शॉर्टकट भी यहाँ दे रखा है, देखिए साला दर्पण स्टाफ विंडो। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात कॉर्नर में जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करते ही आईडी और पासवर्ड डाल के कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अपने सामने आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यदि आप मोबाइल में काम ले रहे हो तो जो मोबाइल स्क्रीन है उसको ऊपर खींचना पड़ेगा। यदि आप लैपटॉप में काम में ले रहे हो तो आपको कॉर्नर में आना पड़ेगा। कॉर्नर में आने के बाद में जो लास्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जन आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। फिर एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगी और उस पे आप दोबारा से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि सिंगल जन आधार एंड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, ये जो अभी चालू हुआ है ये केवल आधार और जन आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए नया प्रोग्राम है। पहला निर्देश इसमें है नेम एंड, तो नेम, जेंडर, डीओबी आर नॉट अलाउड टू अपडेट हेयर, कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ अपडेट अलाउ नहीं है। दी डिटेल्स कैन ओनली बी अपडेट फॉर्म नंबर 5 एंड फॉर्म नंबर 9। तो नेम, जेंडर और डीओबी आप कहाँ से सुधारेंगे, ये आप 5 और 9 से सुधारेंगे। उसके बाद में दूसरा यहाँ निर्देश है बिफोर ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार मेंबर आईडी आधार आर एडिटेबल, तो यहाँ ऑथेंटिकेशन के पश्चात ये चीज़ यहाँ एडिटेबल होगी। तीसरा है ग्रीन लेबल इंडिकेट्स ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट, तो जहाँ पर जो ग्रीन साइन आ जाएगा उसका मतलब यहाँ होगा कि जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ आ जाते हैं क्लास एंड सेक्शन, ऑल क्लासेज एंड सेक्शन एज पर टीचर्स क्लास इंचार्ज। तो जिस क्लास को आपको इंचार्ज बनाया गया है स्कूल लॉगिन के माध्यम से संस्था प्रधान के द्वारा, वो क्लास आपको यहाँ से होगी। गेट क्लास वाइज डाटा पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर देखिए, मेरे पास तो कक्षा अलॉट हो रखी है, वो है कक्षा 8, और कक्षा 8 में टोटल 15 स्टूडेंट है। तो 14 स्टूडेंट का जन आधार एंटर किया हुआ है और यहाँ ऑथेंटिकेट 4 स्टूडेंट का हमने कर रखा है। तो हम यहाँ जो क्लास 8 ए दे रखा है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो सारी की सारी डिटेल अपन को ये सेव कर देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा डाटा आ जाएगा। यदि आपको ये स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रही है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको पूरी स्क्रीन यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल स्टूडेंट 15 है, जन आधार ऑथेंटिकेटेड 4 हैं, पेंडिंग यहाँ पर 11 दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, क्लास, डीओबी, जेंडर, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार मेंबर आईडी, आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट जन आधार, जो जन आधार से स्टूडेंट का बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है वो डिटेल यहाँ पर
ऑथेंटिकेटेड होनी है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरे क्रमांक का स्टूडेंट है उसका सारा डेटा ऑथेंटिकेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल आ चुका है। जब हम सारे स्टूडेंट्स का यहाँ डाटा ऑथेंटिकेट कर देंगे तो सारों का सारे ग्रीन सिग्नल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ एक्शन के ऊपर हमको चलना है। यदि किसी प्रकार की विसंगति होती है और हम हमारा जो रिकॉर्ड है बालक का वो स्कूल के हिसाब से करवाना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी बदलाव होता है, तो यहाँ अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो जन आधार सूचना अपडेट सहमति पत्र ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम दे रखा है, NIC कोड दे रखे हैं और सारी डिटेल बच्चे की दे रखी है। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंट में ऑप्शन ले लेता हूँ और प्रिंट में बालक के सारे के सारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इसमें देखिए डिक्लेरेशन है, प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषय में ये अभिभावक की डिक्लेरेशन है और दूसरी डिक्लेरेशन यहाँ कक्षा अध्यापक के द्वारा है और तीसरी डिक्लेरेशन यहाँ है संस्था प्रधान के द्वारा। तो यहाँ पर बालक का जो रिकॉर्ड है जनाधार में, यदि स्कूल के हिसाब से बालक करवाना चाहता है तो स्कूल में से ये कॉपी बालक को देनी होगी, जिससे कि वो ई मित्र पे या फिर जहाँ भी अपना जनाधार अपडेट करवाना चाहता है वहाँ उसको दे सकता है और इसके हिसाब से ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है। तो साथियों ये था जनाधार कार्ड का जो रिकॉर्ड है बालक का वो मेंटेन के संबंध में आज का वीडियो। ये वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि अग्रिम आदेशों में कोई बदलाव होता है तो आप जो राजकीय आदेश है उनको वरीयता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।